rfi.com विश्वास वही रफ्तार नई। काम के चलते सही समय पर खाना न खाने और भूख लगने के बाद कुछ भी खा लेने से पेट की कई तरह की बीमारियां देखने को मिल रही हैं। पेट की बीमारी कई बीमारियों की जनक होती हैं। यदि आपका पेट ठीक है तो कई बीमारियों से बच सकते हैं, और यदि आपका पेट ठीक नहीं है तो तरह तरह की बीमारियां देखने को मिलती हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार हम पेट की बीमारियों से कैसे बचें। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है IGIMS GI सर्जरी विभाग के प्रसिद्ध पेट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साकेत कुमार। सर आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सर ये सबसे पहला सवाल तो ये है कि पेट की समस्या कॉमन हो गई है, खासकर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है कि युवाओं में सबसे ज्यादा फैटी लीवर की समस्याएं देखने को मिलती हैं। सर तो सर आखिरकार फैटी लीवर हो क्यों रहा है और युवा वर्ग इससे ज्यादा क्यों पीड़ित है? फैटी लीवर का मतलब है लीवर में ज्यादा फैट का एक्युमुलेशन हो जाना, वसा का ज्यादा जमा हो जाना। तो लीवर में थोड़ा बहुत फैट तो नॉर्मल भी है, मगर एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा जब फैट का एक्युमुलेशन हो जाता है तो उसको फैटी लीवर बोलते हैं। तो फैटी लीवर का जो प्रमुख दो कारण हो सकता है, एक तो जो शराब का ज्यादा सेवन करते हैं उसके वजह से भी फैटी लीवर होता है, और एक एंटिटी होता है जिसमें लोग शराब नहीं पीते हैं मगर उसके बावजूद लीवर में फैट का एक्युमुलेशन हो जाता है, उसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज कहते हैं। तो शराब का सेवन तो समझ में आता है, बहुत एक्सेस शराब पीने से जो फैट में फैट का एक्युमुलेशन हो जाता है वो एक अलग एंटिटी है, उसका तो कारण ऑब्वियस है। और जो दूसरा कारण है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जो युवाओं में आजकल बहुत देखने को मिल रहा है, उसका जो प्रमुख कारण है वो है शरीर में ओबेसिटी। जैसे जनरल शरीर में जब फैट बहुत एक्युमुलेट हो जाता है तो वो लिवर में भी एक्युमुलेट होता है, तो वो एक कारण है। दूसरा है कि आजकल यंग लोगों में भी डायबिटीज की समस्या बहुत बढ़ गई है, तो डायबिटीज, इंसुलिन रेसिस्टेंस, ये सब कारण है जिसके वजह से लिवर में भी फैट बहुत जमा हो जाता है। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का ब्लड में बहुत ज्यादा मात्रा में होना, ये भी लिवर फैटी लिवर का एक कारण हो सकता है। और सिगरेट स्मोकर्स, ये सब भी कारण है। सिगरेट बिल्कुल इसका एक बहुत प्रमुख कारण है। और इसके अलावा ओबेसिटी, कम एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, बैठा बैठी का काम, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट या फैट का कंजम्पशन करना डाइट में, ये सारे बहुत कॉमन कारण है, क्योंकि हमारे भी जो परिवेश में आजकल वेस्टर्न फूड स्टाइल का चलन बहुत बढ़ गया है, जिसमें लोग छना भुना या फिर जंक फूड जिसको फास्ट फूड कहते हैं, पिज्जा हो, पास्ता हो, जिसमें बहुत ज्यादा बटर या चीज या फैट का ये होता है, प्रयोग होता है, तो ये सब डाइट में लेने से ओबेसिटी भी बढ़ता है और बहुत बार बिना ओबेसिटी के भी लिवर में फैट का एक्युमुलेशन। मेल फीमेल दोनों को ये समझ, बिल्कुल फीमेल्स में थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि उनका हार्मोनल ये थोड़ा डिफरेंट होता है, तो फीमेल्स ज्यादा प्रोन होती हैं, मगर ये फैटी लिवर मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में हो सकता है। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।